के फिल्मिस्तान के रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी में भीषण आग लग गई है और आग की चपेट में आने से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना के मुताबिक ज्यादातर मरने वाले यूपी और बिहार के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच के आदेश दिए हैं। आग लगी थी और उस आग लगने की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअल्टीज अभी पता नहीं चला है, लेकिन सर्टेन कर रहे हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत बड़ा हादसा है ये, बहुत दुख की बात है। मैंने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं, एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो जांच के बाद पता चलेगा और जो भी दोषी होंगे उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और जो डेथ हुई है उनको सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हैं उनका सरकार सारा इलाज करवाएगी और 1-1 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पर। ये भी कहा जाता है जो लोग थे वो बाहर के ज्यादा थे, लोग बिहार के ज्यादा, उनकी आइडेंटिटी को भी लेकर लिए तो हर इंसान की जिंदगी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने घटना को दुखद बताया और साथ ही कहा कि जांच पूरी होने तक कुछ नहीं बोलूंगा। मैं समझता हूं इस तरह से इस समय बात करना ठीक नहीं है, पूरी तफ्तीश की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। ये बहुत चिंताजनक बात है और इस दर्दनाक स्थिति में इसके तह तक जाना पड़ेगा। हम इस पे अभी कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहते हैं, ये बहुत दुखद घड़ी है और इस घड़ी में अभी हम संवेदना प्रकट करते हैं और ये जो भी हमारे जो कैजुअल्टी हुई है हम उस परिवारों के साथ खड़े हैं और उन परिवारों को हम पार्टी के तरफ से भी 5-5 लाख रुपए की सहायता त्वरित करेंगे और घायलों को 25-25 हज़ार रुपये की देंगे पार्टी के तरफ से। अभी उनको सहायता करने का समय है, बाकी तफ्तीश के बाद जो भी आएगा वो हम आपसे सामने रखेंगे। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि रेजिडेंशियल इलाके में चलाई जा रही फैक्ट्री में आग लगी है। दिल्ली सरकार ने आग की घटना में जांच के आदेश देते हुए 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है और फैक्ट्री के मालिक की तलाश जारी है। न्यूज़ डेस्क।